हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कौशलेन सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लेसन प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर आप मिड में देख रहे हैं, यहाँ लेसन प्लान लिखा जाएगा। यहाँ पर डेट मेंशन की जाएगी राइट हैंड पे। क्लास पीरियड, ड्यूरेशन, सब्जेक्ट, टॉपिक, नेम ऑफ स्कूल एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स। देन यहाँ पर आप देख रहे होंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स के बाद में ये पॉइंट्स हैं, उनको मेंशन करेंगे यहाँ पर। इसके बाद फिर आप जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसके अंतर्गत नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स, इसमें सब पॉइंट्स पढ़ेंगे। इसके बाद नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स के बाद अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स, सब पॉइंट्स दो हैं, उनको लिखना होगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट होगा वह इफेक्टिव ऑब्जेक्टिव्स, सब पॉइंट्स इसमें हैं। इसके बाद आपका साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स, इसमें भी दो पॉइंट्स पड़े हुए हैं। और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो यहाँ पर चार्ट, शोइंग, लॉ ऑफ डिमांड, तो ये इस प्रकार का आपको लिखना होगा। फिर प्रीवियस नॉलेज की हेडिंग रहेगी, स्टूडेंट हैव नॉलेज रिलेटेड टू डिमांड, इस प्रकार से। और इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, ये हेडिंग रहेगी। फिर यहाँ पीपल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी, अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से। और जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ एम, टुडे वी विल बी स्टडिंग अबाउट डिमांड इन डिटेल। इसके बाद प्रेजेंटेशन आएगा। प्रेजेंटेशन में मेन टीचिंग पॉइंट आपके ये तीन दिए हुए हैं। फिर इस प्रकार से कॉलम बना लेना है यहाँ पर, ये है। यहाँ पर भी ये डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इसके बाद आपका एक्सप्लेनेशन आएगा, मीनिंग ऑफ डिमांड का। तो ये एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है खासकर डिमांड का। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पर कंक्लूजन भी निकलेगा अभी, ये जैसे इतने देने के बाद ये कंक्लूजन निकला कि व्हाट इज़ डिमांड, ये डिमांड दिया हुआ है, तो इसको आप लिख लेंगे। इसके बाद अनदर मेन टीचिंग पॉइंट, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिमांड, ये दिया हुआ है यहाँ पर। इस रिलेटेड दो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछेंगे और बाद में उसके बाद एक्सप्लेनेशन देंगे यहाँ पर। ये एक्सप्लेनेशन है और ये कंक्लूजन है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये एक आइडिया है आपको लेसन प्लानिंग कैसे की जाए, और बेहतर भी आप अच्छे से कर सकते हैं यहाँ पर। ये अभी एक्सप्लेनेशन हो रहा है। इसके बाद अनदर और लास्ट जो मेन टीचिंग पॉइंट है, यहाँ पर दो डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे गए और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया। ये देख रहे हैं आप लोग, एक्सप्लेनेशन है और ये आपका कंक्लूजन है। और इसी प्रकार आगे बढ़ते रहेंगे। ये कंक्लूजन अभी चल रहा है और बाद में ब्लैक बोर्ड समरी यहाँ पर रहेगी, जैसा सब देख रहे हैं वैसे ही एंट्री रहेगी। क्लास पीरियड, ड्यूरेशन, डेट, नेम ऑफ स्कूल, फैक्टर्स, ये आपको एक फ्लो चार्ट टाइप का बनाना है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वहाँ हम बनाएंगे। तो ये दिया हुआ इस प्रकार से। इसके बाद जो है राइटिंग एंड सुपरविजन वर्क, ये तो बना बनाया रहता है, इसको आपको इसी प्रकार नोट कर लेना है। इसके बाद रिकैप्चुलेटरी क्वेश्चंस रहेंगे यहाँ पर दिए हुए, जो हमने 50 मिनट या 45 मिनट में पढ़ाया है उसी के बारे में पूछा जाता है। इसके बाद जो है लास्ट होम असाइनमेंट, तो ये होम असाइनमेंट लास्ट का पॉइंट है। अगर आपको और लेसन प्लान से रिलेटेड वीडियो चाहिए
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर मेरे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे आपको टीचर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड या टीचर एप्टीट्यूड से रिलेटेड या और कोई जानकारी सीटेट टेट की अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार दोस्तों।